आदाब माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप क्लास 11th इंग्लिश हार्मोनिल के तहत इंग्लिश प्रोज का लेसन थर्ड पोएट ऑफ अ लेडी एक महिला का चित्र नामक पाठ को समझ रहे हैं, जिसमें कि पैराग्राफ रीडिंग में हर पैराग्राफ की रीडिंग होगी। लेखक जो खुशवंत सिंह है, इसमें जो है अपने और अपने दादी के बीच के प्रेम स्नेह का वर्णन किए हुए हैं, और ये वास्तव में लेखक खुशवंत सिंह की एक अपने जीवन और दादी के साथ के जुड़ाव की कहानी पर आधारित है, जिसमें कि वो अपने बचपन को व्यक्त करते हैं और उनका संबंध जो है उनकी दादी के साथ स्नेह और प्रेम की पराकाष्ठा को भी दिखाता है, और यह भी दिखाता है कि किस तरह से उनकी दादी भी उनका ध्यान रखती थी। उनका संबंध जो है अपनी दादी के साथ बड़ा ही मधुर और बड़ा ही पावन रहा। और इसमें यह भी दिखाया गया है इस पाठ में कि किस प्रकार से अलगाव का दर्द बड़ा असहनीय होता है, जो कि एक दादी द्वारा अनुभव किया गया पोते के लिए, जब वो खुशवंत सिंह पढ़ाई करते हुए क्रमशः आगे विदेश के लिए पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो और खास करके गांव की महिला कितना दर्द महसूस करती है अपने पोते के लिए जब वो जुदा होता है तो। और इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं गांव में, और किस प्रकार से दादी का भी जीवन इसमें लेखक खुशवंत सिंह ने बताया है कि कितना सादगी से भरा हुआ था और उम्र काफी था, झोलेदार चेहरा था, और वो जो है कि मनके की माला जपा करती थी और प्रार्थना उनके होठ बुलाया करते थे। यह सब बातें इसमें लेखक खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से उनका ध्यान देती थी, समय से जगाती थी, समय से स्कूल ले जाती थी, और उनके स्लेट साफ करती थी, उनके कपड़े व्यवस्थित करती थी, वगैरह वगैरह तमाम केयरिंग जो है परवाह जो है दादी द्वारा किया जाना भी इसमें लेखक द्वारा बताया गया है। पैराग्राफ थर्ड की जो है रीडिंग, माय ग्रैंड मदर एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। लेखक बता रहे हैं कि मैं और मेरी दादी अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता उनके साथ तब छोड़ दिए। When they went to live in the city, जब वे शहर में रहने गए। And we were constantly together, और हम लोग यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मैं और मेरी दादी हम लोग लगातार साथ साथ थे। She used to wake me up in the morning, वह मुझे सुबह में जगाया करती थी। And get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह अपना सुबह का प्रार्थना एक नीरस लयबद्ध आवाज में कहती थी। व्हाइल सी बेथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, इन द होप आशा में दैट की आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं उनके प्रार्थना को सुनूंगा और हृदय से याद करूंगा। आई लिसेंट, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव हर वॉयस, क्योंकि मैं उनकी आवाज सुनता था। लेखक खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि दादी की आवाज को वो सुनते थे। बट नेवर बदर टू लर्न इट, लेकिन कभी इसे सीखने की चिंता नहीं करते थे। देन सी वुड फेच माय वुडन स्लेट, तब बताते हैं लेखक कि तब जो है वह मेरा लकड़ी का स्लेट को जो है दादी नीचे विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वह धो देती थी पूरी तरह से, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और पीले मिट्टी से उसको जो है पोत देती थी। ए टिनी अर्थन इन द पॉट एंड ए रेड पैन, और एक छोटा सा मिट्टी का जो है कि चाय का दबाव और एक लाल कलम भी लाती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और इन सबको एक बंडल में बांधती, एंड हैंड इट टू मी, और ये मुझको हस्तांतरित कर देती या बंडल सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद। लेखक बता रहे हैं अपने दादी के इस वृत्तांत को। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टर चपाती,
विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, एक मोटे बासी चपाती थोड़ा मक्खन और इस पर लगे हुए फैले हुए चीनी के साथ का एक नाश्ता के बाद जो है वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेज चपाती विथ हर, वह अनेकों बासी चपाती अपने साथ ले जाती थी हर विलेज डॉग्स गांव के कुत्तों के लिए, ताकि स्कूल जब जाए तो वहां पर जो है गांव के जो कुत्ते हों उन्हें भी वह रोटी खिला सके। तो यह पैराग्राफ थर्ड आपने देखा और शॉर्ट कट इस पार्ट का पुनः जो है हिंदी कहानी जो है समरी के रूप में भी बताया गया इसमें कि किस प्रकार से लेखक खुशवंत सिंह और दादी का स्नेह पे प्रेम लगा एक दूसरे के साथ रहा। तो इसमें इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।